हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिस्ट का सुमिता अरोरा का क्लास 12th का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट डिपेंडिंग अपॉन यूजर चॉइस आइदर पुश और पॉप एन एलिमेंट इन स्टैक द एलिमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड राइट सो दैट द टॉप ऑलवेज रिमेन एट 0th इंडेक्स। राइट, सो गाइस चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू कर दें और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिपेंडिंग अपॉन यूजर चॉइस, तो इतने कहने मतलब है कि ना यूजर पे डिपेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए डिपेंड? आइदर पुश और पॉप एन एलिमेंट इन स्टैक, तो इतने मतलब कि ना यूजर पे डिपेंड करना चाहिए कि वो पुश करना चाहता है कि पॉप, दोनों को मैंने मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। राइट, तो यहाँ चलिए आप आगे देखते हैं। द एलिमेंट आर द शिफ्टेड टू आर राइट सो दैट द टॉप ऑलवेज रिमेन एट 0th इंडेक्स। राइट, तो अब इतने का मतलब समझते हैं कि ना इसका कहने मतलब है कि ना जो आप जो स्टैक बनाइएगा उसमें जो सबसे टॉप एलिमेंट हो, जो सबसे टॉप एलिमेंट हो वो हमेशा 0th इंडेक्स नंबर पे रहना चाहिए। राइट, कहने मतलब ये है, जैसा कि पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप कैसे पुश कर रहे थे। सबसे पहले एलिमेंट को पुश किए, फिर सेकंड एलिमेंट को पुश किए, फिर सेकंड को निकाल दिए। ये तो स्टैक की डेफिनेशन होती है, पर यहाँ पर ये स्टैक को जस्ट उसका अपोजिट किया। कैसे किया है? ये आप फिगर ने, ये जो पॉप वाला जो फिगर, इसको भूल जाइए, पहले यहाँ तक समझिए। इस जैसे कि आप पहले को पुश किए, राइट, तो जब सेकंड को आप पुश करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2, पर उस समय लिखा रहना चाहिए 1 2, ऊपर से 1 2, राइट, यानी कि अगर इसी ऑर्डर में करेंगे तो 2 1, ऐसे अपोजिट लिखा रहना चाहिए। राइट, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आईडी पाइथन में लिखिए, मैं यहाँ हैश में लिख देता हूँ। कोई हमारा जो स्टैक क्या होता है, स्टैक जो होता है हमारा वो सीक्वेंस होता है। चलिए मैं 1 2 3 का एग्जांपल लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, इतने का मैंने एग्जांपल लिया। ये जनरली हमारा स्टैक की डेफिनेशन होती है। और ये कैसे वर्क करता है? जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले ये जो 4 है वो डिलीट होगा, फिर 3 डिलीट होगा, फिर 2 डिलीट होगा, फिर ऐसे सो ऑन डिलीट होगा। राइट, पर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो स्टैक है, जो क्वेश्चन के हिसाब से स्टैक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों स्टैक, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ना जो स्टैक है वो किस तरह का स्टैक है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको अपोजिट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ना लिखना होगा उस समय इस तरह इंसर्ट होने, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक, यूजर से आप इनपुट ठीक इसी तरीके से कराएंगे, पर ना जो सबसे टॉप एलिमेंट रहेगा हमेशा इंडेक्स नंबर देखिए 0 पे है। इसमें जो टॉप एलिमेंट है, जो टॉप पे एलिमेंट है वो क्या है? 4, पर ना क्वेश्चन के हिसाब से जो टॉप एलिमेंट है वो देखिए 0 इंडेक्स नंबर पे। राइट, तो मतलब इस बार हमें इस तरह का स्टैक बनाना। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको समझा दिया। राइट, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए मैंने एक स्टैक नाम का वेरिएबल लिया। राइट, फिर मैंने ना पूछ लिया कि ना मतलब वो लूप लगा दिया वाइल टू, जब तक यूज़र का मन करे तब तक करे भाई। फिर देखिए यहाँ पे मैंने कॉम नाम का वेरिएबल लिया, फिर इनपुट करा दिया पुश और पॉप। राइट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर मैंने ये किया, इफ़ कॉम इज इक्वल टू पुश और पुश, यानी कि यूज़र क्या करना चाहता है, अगर पुश करना चाहे तो यूज़र से जो नंबर पूछे। राइट, फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टैक डॉट अपेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में याद करिए स्टैक डॉट अपेंड, तो वहाँ पे मैंने आपको इंसर्ट के बारे में बताया था। इंसर्ट का क्या काम होता है कि ना आप कौन से इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करना चाहते हैं नंबर। देखिए यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे लिखेंगे आप इंडेक्स नंबर, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि टॉप एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स नंबर पे रहना चाहिए। राइट, तो मतलब जो हमारा एलिमेंट इनपुट होगा, इंटर होता है जब आप अपेंड कराते, तो जो एलिमेंट आप अपेंड कराते तो हमेशा वो टॉप एलिमेंट रहता था। तो अब हमें इसको ने इंडेक्स नंबर 0 पे कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0, num। राइट, यहाँ पे इंडेक्स नंबर देते हैं, फिर यहाँ पे जो आपको नंबर इनपुट कराना है, जो भी आपको एलिमेंट इनपुट कराना है उसका वो देखेंगे। राइट, तो इससे क्या होगा, हमारा ना इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। राइट, फिर उसके बाद देखिए ये तो फंडा मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर उसका लेंथ 0 होता है तो अंडर फ्लो आ जाएगा कि भाई अब इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। राइट, फिर यहाँ देखिए पॉप का, देखिए
अगर यूजर पॉप लिखता है तो क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट रहेगा वो डिलीट होगा, राइट। यार टॉप एलिमेंट इस समय हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस समय हमारा टॉप एलिमेंट कौन से इंडेक्स नंबर पे, 0 इंडेक्स नंबर पे। तो यानी कि जो जब हम पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 वाला एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैक डॉट पॉप 0, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सबसे स्टार्टिंग का जो एलिमेंट रहेगा, जो ही एलिमेंट रहेगा हमारा, वो डिलीट हो जाएगा, राइट, इंडेक्स नंबर से 0 पे रहेगा। फिर उसके बाद मैंने एक यस नाम का वेरिएबल में यूजर्स इनपुट करा है कि आप और भी करना चाहते हैं कि नहीं, और भी इनपुट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर इफ़ नो किया तो थैंक यू प्रिंट हो जाने चाहिए, फिर ब्रेक हो जाने चाहिए, राइट। चलिए मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो हमारी आ गया, तो पूछ रहा है कि पुश करना चाहते हैं कि पॉप करना चाहिए। तो मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ पुश, यहाँ पे नंबर इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ 1, फिर यस नो करेंगे तो यस लिख देता हूँ, फिर पुश करना चाहता हूँ तो पुश लिख देता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर यस। मैं थोड़ा एलिमेंट इनपुट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे पुश, यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 3। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि ना हमारे जो स्टैक है, जो हमारा जो लिस्ट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, हमारे 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, राइट। तो अब अगर हम इसको अब पॉप करेंगे तो हमारा कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, जो ना जो सबसे स्टार्टिंग है नंबर, यानी कि ना 3। हम उसको जस्ट अपोजिट तरीके से तो इनपुट भी करा रहे हैं, तो टॉप एलिमेंट हमारा कौन सा है, 3, क्योंकि हमने इसको सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, राइट, सबसे लास्ट में तो किया है, तो इसलिए हमारा ये टॉप एलिमेंट रहेगा, राइट। तो अब इसको हमको डिलीट करना है। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉप, तो अब हमें नहीं कराना है, नो लिख देता हूँ, मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ चलिए मैं आपको स्टैक दिखा देता हूँ, जो स्टैक दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टैक हमारा क्या है, 2, 1, राइट, क्योंकि हमने 3 डिलीट कर दिया। हमारा 3 कौन से प्लेस पे होगा, हमारा ये जो लिस्ट है नहीं, ये हमारा इस तरह होगा, 3, 2, 1, राइट। इनिशियली इनिशियली ना ये हमारा इस तरह का लिस्ट होगा, पर हमने ना इसमें क्या कर दिया कि ना एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो इस तरह से ही डिलीट, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 वाला ही ना हमारा जो नंबर था, जो भी एलिमेंट था, वो डिलीट हुआ, राइट। तो गाइस अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हम उसका रिप्लाई देने की जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।